जान पुतले को जान मिल जाती है और जब जोर से धार मार दे तो भोपाल की गद्दी हिल जाती है। आप आतंकवादी और अपनी बात फोटो खेच ले दो। जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय एससी, जय एसटी। हमारे पूरे हिंदुस्तान से बड़ी दूर दूर से आज जंतर मंतर पर सारे बुद्धिजीवी लोग इन भैरी सरकारों को ललकारने के लिए यहाँ एक से एक बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, एक से एक बुद्धिजीवी जिनने अपने जिलों में प्रदेशों में धूम मचाए रखी है। कई लोग हैं जो भाजपा में ही बड़ी पार्टियों के शिकार हैं, बहुत काम किए। हमारा तो इतना इतिहास है कि तीन पीढ़ियां जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी तीन पीढ़ियां लगातार काम किया है, तीन पीढ़ियों में। और इनाम क्या मिला सबको पता है, हमको क्या इनाम दिया गया। इससे पहले पहले भी मुझे निकाला था 6 साल के लिए, पानी बदल भी हुई। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी योजना बताने जा रहा हूं, आप सब लोग अपने अपने मोबाइलों में टैप करें और दिमाग में भी टैप करें और दिमाग से फिर दिल में उतारें। इस बात को दिल में उतारने की जरूरत है क्योंकि हमको पिछड़ा और सारे लोगों को जितने भी हिंदुस्तान में पिछड़ी समाजें हैं, मेरे भाइयों आपको ये नाम मिला है। अगर इस नाम को आपको आगे करना है तो आपको एक चीज करना पड़ेगी। मेरे भाइयों जब हम शादी कराते हैं विद्वान को बुलाते हैं और वो विद्वान कम से कम 4-5 हजार रुपये हमसे ले जाता है और 4-5 हजार रुपये शादी में से ले जाएगा और पढ़िया खाएगा, पढ़िया कपड़े ले जाता है। तो मैं कथा करने आएंगे तब आपसे एक 2.5 महीने केवल 2.5 महीने पढ़ना है तो आप कथा करना सीख जाओगे। 6 महीने पढ़ लिया तो आप ओम नमः शिवाय सीख जाओगे, हवन करना सीख जाओगे। 1 साल पढ़ लिया तो आप शादी आपके ओबीसी में रहेगा, आपके एससी में रहेगा, आपके एससी में रहेगा। मेरे भाइयों ये काम हर गांव में आप एक लड़के को दीजिए। मैं तो आगे चल के इतना कहना चाहता हूं तो ज्ञान पीठ करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बढ़िया खाने मिलेगा, बढ़िया घूमने मिलेगा, बढ़िया कपड़े मिलेंगे, बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। इससे अच्छी नौकरी कोई है? इससे अच्छा व्यापार और इससे अच्छा है? वो बात ही हम इंसान नहीं कह सकते, उनको देखते देवताओं जैसे काम किए हैं और हम उस देवताओं के कामों को हम और आप मिलकर इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों मैंने जब चरणों में जाकर नमन किया, सर रखा, तो मुझे ऐसा मिलेगी मैं वहां जाऊंगा और ओबीसी एससी और एसटी को मैं जगाने का काम करेंगे। आज यहाँ पूरे देश के लोग आए हैं, इन देश के लोगों ने आज जनगणना पर भी ध्यान केंद्रित किया है और इन लोगों ने सब सारे लोग मिलकर हम आरक्षण की भी मांग करेंगे। अगर हम सारे लोग मिलकर आरक्षण की मांग कर लेंगे मेरे भाइयों 60% में ठान लिया आपने। हमने देखा है चंबल संभाग में।
ओबीसी एससी एसटी को मंच नहीं मिलते कभी, मंचों में देखना कोई वो लोग बैठे मिलेंगे, कभी नहीं डालना मंचों पे। मैं और रानी राय हम तो जबरदस्ती पूछते थे, अब चिड़े लगते थे लोग हमसे कि कहां से आ गए ओबीसी के मंच पे। मेरे ये पिछड़ा कहना लोग छोड़ देंगे दोस्तों, इसीलिए मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी तीन नहीं बरसों से जाने कितनी पीढ़ियां हमारी मर गई थप गई हजारों सालों से सेवा करते 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 करते, बताओ करते नहीं थे सेवा, क्या मिला तुम लोगों को? एक बार ये सेवा करूंगा और इन लोगों के सरों में सर रखकर और इनसे आशीर्वाद मांगूंगा और मैं आपको देता हूं, अगर आशीर्वाद मुझे मिल गया आपको बता देंगे कि देश में वास्तव में ही कैसा कानून होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे सरकारें बनती हैं। दोस्तों ज्यादा कहते हुए हमारे बहुत लोग बैठे हुए हैं, सबको बोलना है, दो दो मिनट का समय है, मैं ज्यादा समय नहीं, नौजवानों में आप लोग फॉलो करना, धन्यवाद। बस यही कहता हूँ आप लोगों से, आगे और लड़ाई है, शुरू करो।